हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग कर दिखाने वाले गाइस। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो इस वीडियो में जितने पीएनजी का यूज किया गया वो सभी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देख सकते हैं हम अपने पी कार्ट में पहले से ही बैकग्राउंड को ऐड करके रखे हुए हैं, सो ताकि हमारा मतलब टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे हम मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेंगे, तो ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और मॉडल का पीएनजी हमारा ऐड हो चुका है। और इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, साइज डिक्रीज करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे जूम इन कर लेंगे और इसका हल्का सा रोटेट करेंगे और कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगे साइज इसका और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे। सो हमारा फिक्स हो चुका है। सो यहाँ पे अभी भी हमारा हल्का सा मिस्टेक्स है, सो इसे हम कुछ इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे और इसका साइज हम डिक्रीज और इंक्रीज करके यहाँ पे देख लेंगे ताकि हमारा परफेक्ट सेट हो जाए। सो उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे साइडों पे इसका मतलब साइडों हम इंक्रीज करेंगे। सो साइडों इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम ये साइडों वाले जो साइडों लिखा हुआ उस पर हम क्लिक करेंगे और इसका एक साइड का हम साइज डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे और एक साइज का हम डिक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम देख लेंगे ताकि हमारा साइडो इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे साइडो बन जाए। ये हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साइडो बनकर तैयार हो चुका है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे ये हमारा शूज पे मतलब एक्स्ट्रा पार्ट रह गया तो उसे हम इरेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इरेज पे क्लिक करके ये और उसके बाद कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर से हम एक और मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक मॉडल का पीएनजी एक और ऐड कर लेंगे। सो ये हमारा मॉडल का पीएनजी ऐड हो चुका है। सो इसे भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इरेज पे क्लिक करेंगे, इसका ओपेसिटी माइनस के साइड रखेंगे, हार्डनेस माइनस के साइड रखेंगे और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पे हम इरेज कर देंगे ताकि ये हमारा जो पैर है वो लगे कि मतलब हमारा पैर जो है पानी के अंदर है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इरेज कर लेंगे, फटाफट हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे, हार्डनेस को माइनस के साइड। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इरेज कर लिए हैं और इरेज कर लेने के बाद यहाँ पे हल्का सा हमारा मतलब छूट गया है। सो उसे भी हम इरेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा फोटो हो गया। उसके बाद इसका भी हम साइडो इंक्रीज करेंगे। सो साइडो इंक्रीज करने के लिए सेम प्रोसेस है, एक साइड इंक्रीज और एक साइड डिक्रीज कर देंगे। सो एक साइड हमारा इंक्रीज किया हुआ है और डिक्रीज एक साइड हम डिक्रीज कर लेंगे। तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इरेज कर लेंगे।
ये हो जाने के बाद यहाँ पे करते हैं डन और शैडो को फिर से हम यहाँ पे एक साइड का मतलब जो एक साइड है यहाँ पे उसे भी हम इंक्रीज और डिक्रीज करके यहाँ पे देख लेंगे ताकि हमारा फोटो से मतलब शैडो मैच खा जाए। सो ये यहाँ पे हो गया, उसके बाद कर देंगे डन। डन कर देने के बाद ये हमारा देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ये। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रा टूल्स पे क्लिक करेंगे और ड्रा टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा शूज है शूज के पास मतलब हमारा शैडो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सो उसके लिए हम ड्रा टूल्स पे क्लिक करेंगे और ड्रा टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम शैडो इंक्रीज कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे इरेज कर लेंगे, तो शैडो इंक्रीज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा शैडो इंक्रीज, उसे कर दिया हम डन। सो हमारा देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारा फोटो। सो अब इसे हम कर लेंगे गैलरी में सेव। सेव कर ले करने के लिए हम यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है गैलरी में सेव होने के लिए, वेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फोटो गैलरी में सेव। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।